तो हेलो दोस्तों, हॉरर सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज से स्टार्ट होगा हैंडमेड टेल्स सीजन 5 का पहला और दूसरा एपिसोड। तो आप सभी लोगों ने हैंडमेड टेल के सीरीज को इतना ज्यादा प्यार दिया कि मैं इसका पांचवा एपिसोड बनाने से अपने आप को नहीं रोक पाया, और इसीलिए मैंने अपना चैनल हॉरर सीरीज चालू किया है ताकि यहाँ पर मैं बस वेब सीरीज को ही एक्सप्लेन करूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हॉरर सीरीज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी इस वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से शुरू होता है हैंडमेड टेल सीजन 5 का एपिसोड 1। तो अगर आपने हैंडमेड टेल सीरीज के बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर बाकी के एपिसोड को भी देख सकते हैं। तो सीजन 5 में फ्रेड को मारने के जुर्म में क्या जून को सजा होगी? फ्रेड की मौत के बाद सेरेना का क्या रिएक्शन होगा? क्या कनाडा की गवर्नमेंट और गिलियट फ्रेड के मर्डर पर जून को सजा देगी? यही सब आज के हमारे इन एपिसोड में पता करेंगे। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों, अब मैं एपिसोड 1 को शुरू करता हूँ, जहाँ पर हम देखते हैं कि जून, जो कि फ्रेड के खून को साफ करने के लिए नहाने जा रही थी, जून उसी टाइम को याद कर कर खुश होती है जब फ्रेड उससे डर कर भाग रहा था। फ्रेड की तड़प जून को बहुत ही ज्यादा खुशी दे रही थी, और यहाँ पर जून फ्रेड के खून को साफ नहीं करती है क्योंकि उसे ऐसे ही खुशी मिलती है। फिर बाथरूम से निकल कर जून बाहर आकर निकोल को गोद में ले लेती है, और जून और मोरिया जून को बार बार पूछ रहे थे कि उसने क्या किया है। जून उनको बताती है कि उसने फ्रेड को मार डाला है। अब दोनों जून की बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे, लेकिन जून कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो दोनों जून को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जून नहीं रुकती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम गलियट में निक को देखते हैं, जो कि उसकी न्यू वाइफ रिबेका के साथ में था, और वो निक से जून के बारे में पूछती है, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि निक ने रिबेका से जून के बारे में कुछ नहीं छुपाया था। अब इस तरफ कनाडा की अथॉरिटीज की एक वुमन सेरेना को आकर ये कहती है कि फ्रेड की मौत हो चुकी है, और फ्रेड को जिसने मारा है उसकी वजह से सेरेना और उसके होने वाले बच्चे को भी खतरा हो सकता है। कनाडा की आर्मी सेरेना को एक सेफ प्लेस में लेकर जाती है, और सेरेना फ्रेड की मौत के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी। सेरेना उन सभी पलों को याद करती है जो कि उसने फ्रेड के साथ में बिताए थे। फिर इधर जून एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर बाकी की औरतें थी जिसने फ्रेड को मारने में, सभी लोग वहाँ पर ऐसे खाना खाते हैं जैसे कि पिछले रात को उन्होंने कुछ भी क्राइम नहीं किया हो। यहाँ पर हम विकी और सोविया नाम की दो औरतों को देखते हैं जो कि सेरेना के मरने के बारे में बातें कर रही थी। वे दोनों जून को अपनी कार में भरी कुछ गन्स दिखाती है, और उनका प्लान और भी गलेट के अथॉरिटीज को मारने का था। वे सभी गलेट में वापस जाकर उनके मालिक और उनकी वाइफ को मारना चाहते थे। जून के लिए उन लोगों ने फ्रेड को मारा था, और अब वो लोग ये चाहते थे कि जून उनका भी साथ दें उनका बदला लेने में, लेकिन जून उनका साथ नहीं देना चाहती थी। और तब विकी जून पर अपनी गन पॉइंट कर देती है, जिससे कि बाकी औरतें किसी तरह विकी को शांत करती है, और जून कार लेकर वहां से चली जाती है। अब इस तरफ मार्क सेरेना के पास आता है। सेरेना मार्क को फ्रेड की चीजें मांगती है, और सेरेना मार्क से गुस्सा भी होती है कि जब फ्रेड का मर्डर हुआ था तब मार्क कहाँ था। यहाँ पर मार्क की जिम्मेदारी थी कि वो फ्रेड का ध्यान रखे। तब मार्क बताता है कि अमेरिका के साथ में गलियट की डील हुई थी, जिस डील के मुताबिक गलियट ने पॉइजन कॉलोनी में काम करने वाली 22 औरतों को अमेरिका भेजा, और अमेरिका ने फ्रेड को गलियट में भेज दिया। कनाडा की बॉर्डर पार करने के बाद में फ्रेड के साथ में क्या हुआ ये मार्क को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब सेरेना और उसके होने वाले बेबी को प्रोटेक्ट करना ही मार्क की जॉब थी। सेरेना को मार्क से पता चलता है कि किसी ने फ्रेड की एक उंगली काट दी थी, और मार्क सेरेना को फ्रेड की वेडिंग रिंग देता है। तब सेरेना को समझ आता है कि फ्रेड का मर्डर जून ने किया है। अब इस तरफ ग्लेनोवा का कोई अता पता नहीं था, और जून तब ग्लेनोवा की वाइफ सोविया के पास जाती है। सोविया उसे बताती है कि ग्लेनोवा उसे और उनके बेटों को बाय बोलकर गलेट चली गई है, और उसे लगता है कि ग्लेनोवा अब कभी भी वापस नहीं आएगी। जून फिर भी सोविया को प्रॉमिस करती है कि वो ग्लेनोवा को वापस लाएगी, लेकिन अब सोविया ग्लेनोवा के लिए कोई भी उम्मीद नहीं रखना चाहती थी। और अब जाकर जून को टेंशन हो रही थी कि उसके बदले की वजह से बहुत लोगों की लाइफ बर्बाद हो सकती है। जून फिर एक रिवर के पास जाती है, और इतनी ठंड में भी वो पानी के बीच चलती जाती है, और वो एलिजाबेथ और जून के पास्ट के हैप्पी टाइम को इमेजिन करती है। जून को इतनी ठंड में पानी के अंदर देखकर पुलिस जून को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है, क्योंकि जून का ये बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब था।
पुलिस स्टेशन में जॉन जून के पास आता है और जून जॉन से माफ़ी मांगती है जो कुछ भी उसने गलती की थी। लेकिन जॉन जून की बात को समझता है। फिर जून जॉन को ग्लेनवा के बारे में बताती है जो कि खुद ही गलेट वापस चली गई और वहाँ पर एरिका और गलेट की बाकी की अथॉरिटीज ग्लेनवा की क्या हालत करेगी इस बात से जून बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। अब एक मर्डर बन के जून अब निकोल के पास जाना नहीं चाहती थी और जॉन जून को समझा रहा था कि उसने कोई गलती नहीं की है और उसे ये बात छुपा कर रखनी चाहिए। जॉन के मना करने के बाद भी जून खुद ही पुलिस ऑफिसर के सामने फ्रेड का मर्डर एक्सेप्ट कर लेती है और पुलिस जून को पूछताछ के लिए दूसरे रूम के अंदर ले जाती है। वहाँ पर जून पुलिस को सारी बातें बताती है कि उसने किस तरह फ्रेड को मारा, लेकिन जून ने किसी का भी नाम नहीं लिया। उसने यही बोला कि उसने फ्रेड का मर्डर अकेले किया है क्योंकि फ्रेड ने उसका रेप किया था और उसको एक बंदी बनाकर रखा हुआ था। यहाँ पर अब एक अजीब सी बात होती है कि कानून तोड़ने का किसी का भी कोई हक नहीं होता है। किसी को सजा देने का हक सिर्फ कानून का होता है, लेकिन फ्रेड के मर्डर पर कनाडा की अथॉरिटीज जून पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती थी क्योंकि फ्रेड का मर्डर कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर के बीच में हुआ था जहाँ पर कनाडा का कोई भी कानून नहीं चलता था। और बस फ्रेड की एक उंगली काटने के लिए जून को $88 पनिशमेंट के लिए पे करना था। फिर इसके बाद में जून को फ्री कर दिया जाता है। अथॉरिटीज का ये फैसला सुनकर जून भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी। अब इस तरफ सेरेना फ्रेड की डेड बॉडी के पास थी और फ्रेड के साथ उसके पास्ट के मोमेंट को वो याद करके सेरेना बहुत ही ज़्यादा रोती है। तभी मार्क सेरेना के पास आता है और सेरेना जून को मौत की सज़ा दिलाना चाहती थी। मार्क सेरेना को वही बात बताता है कि जून ने ये मर्डर नो मैंस लैंड यानी कि कनाडा और ग्लेट के बॉर्डर के बीच में किया था जहाँ पर दोनों ही देश जून को सज़ा नहीं दिला सकती थी। यह सुनकर सेरेना और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और अब वो जून से भी डर रही थी। मार्क सेरेना को एक सेफ प्लेस में भेजने वाला था और कार की तरफ जाने से पहले सेरेना देखती है कि कनाडा के बहुत सारे लोग कैंडल लेकर सेरेना के साथ रहने आए थे और सेरेना का सपोर्ट कर रहे थे। जाने से पहले सेरेना मार्क से कहती है कि फ्रेड एक कमांडर था तो फ्रेड को पूरे रिस्पेक्ट के साथ में गलेट में दफनाना चाहती है और उसका इंतजाम सेरेना मार्क को करने को कहती है। मार्क के लिए ये चीज़ पॉसिबल तो नहीं थी, लेकिन सेरेना की जिद को देखकर वो इस बारे में ट्राई जरूर करने वाला था। जून और जॉन घर आते हैं और मोरिया जून को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी। जॉन मोरिया को बताता है कि जून को कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी और ग्लेनोवा को वापस लाने के लिए मोरिया ने बहुत सारे लोगों को बॉर्डर पर भेजा था, पर अब तक किसी को भी ग्लेनोवा नहीं मिली थी। जून नहीं चाहती थी कि कोई भी वापस गलेट आए। मोरिया यहाँ पर बताती है कि अब उसे भी जून के बिहेवियर से डर लगने लगा है और उन्हें चाहती है कि इस तरह जून निकोल की देखभाल करें। जून भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो अब पहले से बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है। तभी उनके घर पर मार्क आ जाता है और मार्क और जून एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जून मार्क से सेरेना के बारे में पूछती है और मार्क जून को बताता है कि सेरेना उसे डर रही है, लेकिन जून के मुताबिक एक टाइम पर वो सेरेना से डरती थी। मार्क के अनुसार जून ने फ्रेड के साथ में जिस तरह अपना बदला लिया वो बिल्कुल ठीक किया। इसे सुनकर जून के दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। जून फिर अंदर जाती है और निकोल को अपनी गोद में ले लेती है, जिसके बाद जून को खुशी देखकर मोरिया भी अब जून से कुछ नहीं कहती है। और इसी के साथ में हैंडमेड टेल सीजन 5 का episode 1 खत्म होता है। यहाँ से शुरुआत होती है episode 2 की, जहाँ पर हम देखते हैं कि पास्ट में सेरेना ने जून के साथ में जो कुछ भी किया था जून वो सारी बातें याद करती है। जून फिर अपनी कार में जाकर वही घर निकालती है और उसको अपने गार्डन में दफन कर देती है। अगले सीन में सेरेना गलेट जाती है फ्रेड के फ्यूनरल के लिए और सेरेना को सेफ रखने के लिए मार्क भी सेरेना के साथ में गलेट आया था। फ्रेड की बॉडी को गलेट लाया जाता है और एयरपोर्ट पर सेरेना को लेने के लिए लॉरेंस और निक आते हैं। सारा और काल ने फ्रेड के फ्यूनरल तक सेरेना को अपने घर में रखने का डिसाइड किया था। फिर रेस्ट करने से पहले सेरेना वही चर्च देखने जाती है जिसे मिस्टर लॉरेंस ने फ्रेड के फ्यूनरल के लिए डिसाइड किया था, लेकिन सेरेना को वो चर्च बहुत छोटा लगता है। वो ये चाहती थी कि फ्रेड का फ्यूनरल बहुत ही बड़े चर्च में बहुत सारे लोगों के साथ में हो। मिस्टर लॉरेंस फिर भी सेरेना को कहते हैं कि फ्रेड का फ्यूनरल बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड और प्योर वर्ल्ड के साथ में किया जाएगा। सेरेना को ऐसा नहीं लगता था कि जून ने अकेले ही फ्रेड को मारा होगा और फ्रेड तक पहुँचने के लिए जरूर किसी ने जून की मदद की होगी। सेरेना का शक मिस्टर लॉरेंस और निक पर था और वो उनको ब्लैकमेल भी करती है कि अगर गलेट की बाकी की अथॉरिटीज़ को पता चला कि उन्होंने फ्रेड को मारने में जून की मदद की है तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और इसीलिए पूरे रिस्पेक्ट के साथ में फ्रेड का फ्यूनरल करने के लिए सेरेना उनसे डिमांड करती है। दूसरी तरफ एरिका हैंडमेड को अपने मास्टर के घर पर भेजने के लिए रेडी कर रही थी
और एस्टर बिल्कुल भी हैंडमेड बनना नहीं चाहती थी। एरिका एस्टर को सारा और काल की न्यू हैंडमेड बनाना चाहती थी और एरिका हैना को अलाउ करती है कि वो एस्टर को हैंडमेड के लिए ट्रेन कर सकती है और इस तरह हैना सारा के घर पर जाकर अपनी बेटी एंजेला से मिल भी सकती है। जिसे सुनने के बाद में हैना बहुत ही ज़्यादा खुश थी। यहाँ पर सारा के घर पर फ्रेड के फ्यूनरल के लिए पार्टी चल रही थी जहाँ पर गलेट के सभी अमीर लोग और कुछ कमांडर आए हुए थे। कुछ देर के बाद में सेरेना भी वहाँ पर आती है और सभी वाइफ्स सेरेना को प्रेग्नेंट देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मिस्टर लॉरेंस वहाँ पर सेरेना को कहते हैं कि वो लोग फ्रेड का फ्यूनरल अच्छे तरीके के साथ में नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाकी के अथॉरिटीज इस बात पर एग्री नहीं कर रहे थे और ये सुनकर सेरेना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। इधर कनाडा में जून जॉन मोरिया और नीना एक संग पार्टी कर रहे थे। जॉन वहाँ पर एक बोर्ड गेम लेता है और उसे देखकर जून को फ्रेड की याद आती है क्योंकि फ्रेड के साथ में जून यही बोर्ड गेम खेला करती थी। नीना फिर किचन में जाती है जहाँ पर जून उससे बात करती है और जून को समझ नहीं आ रहा था कि सेरेना गिलेट क्यों चली गई। जून यही सोच रही थी कि अगर गिलेट की अथॉरिटीज सेरेना का बेबी छीन कर उसको हैंडमेड बना दें या फिर उसको फांसी पर लटका दें तो क्या होगा। जून की ऐसी बातें नीना और मोरिया को बहुत अजीब लगती है। मोरिया और नीना के मना करने के बाद भी जून नीना को वही बात बार बार कह रही थी कि जब सेरेना ने नीना को थप्पड़ मारा था तब नीना भी जून को कह देती है कि वो हैंडमेड नहीं थी पर उसने भी हर रोज टॉर्चर झेला था और अब नीना सेरेना के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। यहाँ पर दूसरी तरफ एरिका फिंडल में सभी हैंडमेड को लेकर आती है और एस्टर यहाँ पर हैंडमेड बनना नहीं चाहती थी, वो उनसे फाइट करना चाहती थी। हैना एस्टर को समझाती है कि यहाँ पर कुछ भी करना मतलब कि मौत से भी भयानक सजा पाना है तो उनको चुपचाप बने हुए रूल को फॉलो करना चाहिए। सारा यहाँ पर एस्टर जैसी यंग हैंडमेड पाकर खुश थी। एरिका के मुताबिक एस्टर पहले एक वाइफ थी तो उसको पता होगा कि वाइफ को एक मास्टर की कैसे इज्जत करनी चाहिए और एक हैंडमेड की क्या सीमा होती है। यहाँ पर हैना इतने दिनों के बाद अपनी बेटी एंजेला को देखती है और उसे प्यार से गले लगाती है। यहाँ पर सारा इनडायरेक्टली हैना को थैंक्स कहती है कि वो एंजेला को उसकी लाइफ में लाई और सारा की बातें सुनकर हैना को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। एस्टर को भी काल के पास में लाया जाता है। एरिका एस्टर को काल के पास में अकेला छोड़कर जाती है। एस्टर इस वजह से डरी हुई थी और काल एस्टर को बहुत ही अजीब तरीके से चॉकलेट खिलाता है। एस्टर को भी मजबूरी में ही वैसे चॉकलेट खाना पड़ता है। इस तरफ जून जॉन को ये बता रही थी कि उसने फ्रेड की उंगली काटकर सेरेना को भेजी थी ताकि सेरेना ये जान पाए कि जून को उसने मारा है। जून सेरेना के दिल में उसका डर बिठाना चाहती थी और जॉन जून को समझाता है कि अब जून को ये सब बातें छोड़कर उसकी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। इन सब से उनकी बेटी एलिजाबेथ वापस नहीं आएगी। जॉन को जून के लिए डर लग रहा था क्योंकि जून अपने बदले में बहुत ही ज़्यादा खो गई थी, जिसके बाद में अब जून भी अपनी फैमिली को ही टाइम देने का डिसाइड करती है। इधर गलेट में सेरेना फ्रेड के फ्यूनरल के बारे में अथॉरिटीज से बातें करना चाहती थी। फ्रेड ने गलेट के लिए बहुत कुछ किया था और सेरेना ये चाहती थी कि पूरे रिस्पेक्ट के साथ में फ्रेड का फ्यूनरल हो और बड़े चर्च में फ्रेड के फ्यूनरल में गलेट के सभी लोग आए, फ्रेड का फ्यूनरल पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हो। लेकिन बाकी कमांडर के मुताबिक फ्रेड और सेरेना गलेट से भाग गए थे और उनके केस की वजह से गलेट की पूरी दुनिया के सामने बहुत ही ज़्यादा बदनामी हुई थी, जिस वजह से बाकी कमांडर फ्रेड का फ्यूनरल बड़े तरीके से नहीं करना चाहते थे। निक बाकी कमांडर को ये समझाता है कि उनको फ्रेड का फ्यूनरल सेरेना के कहे मुताबिक करना चाहिए और इस तरह वे लोग बाकी दुनिया के सामने अपनी इमेज को और ज़्यादा बढ़ा कर पाएंगे। तब बाकी के कमांडर भी निक की बात को मान जाते हैं। एरिका भी हैंडमेड को वापस हैंडमेड हॉस्टल में ले जा रही थी और एस्टर हैंडमेड के काम से बहुत डरी हुई थी। हैना एस्टर को उसके मास्टर की हर बात मानने को और जल्दी प्रेग्नेंट होने को कहती है और इसी तरह एस्टर बिना किसी खतरे और पनिशमेंट के हेलमेट बंद कर जिंदा रह सकती थी। फिर रात को मार्क और निक एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। मार्क यहाँ पर निक को और ऑफर देता है कि निक थोड़ी बहुत गलेट की इन्फॉर्मेशन कनाडा को देकर हमेशा के लिए गलेट छोड़कर अपनी बेटी निकोल के पास में रह सकता है। निक अभी तो कुछ नहीं कहता है लेकिन वो मार्क को कहता है कि वो इस बारे में सोचकर जवाब देगा। एक तरफ जून अपने हस्बैंड के साथ में अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ सेरेना अपने हस्बैंड के फ्यूनरल के लिए रेडी हो रही थी। यहाँ पर एस्टर हैना को उसकी बेटी के बारे में पूछती है लेकिन हैना को अपनी बेटी से दूर रहने की आदत पड़ चुकी थी। एस्टर यहाँ पर हैना को कुछ चॉकलेट खाने को देती है जो कि उसने काल के घर से चोरी की थी और वे दोनों मिलकर उस चॉकलेट को खाते हैं। अचानक एस्टर यहाँ पर हैना से कहती है कि वो उसकी केयर नहीं करती है और अब वो उसको जबरदस्ती हेलमेट बनाकर
हैना उसे अपने बेटे को देखने के लिए उसका यूज़ कर रही थी। हैना एस्टर को समझाती है कि वो जून की तरह ही उसका ध्यान रख रही है, लेकिन एस्टर हैना को जून की तरह मानती नहीं थी। तभी एस्टर खून की उल्टियाँ करने लगती है कि जून उस पर प्राउड करेगी। हैना मदद के लिए किसी को बुलाई रही थी कि तभी हैना भी खून की उल्टियाँ करने लगती है। वो दो हैंडमेड को इस तरह देखकर एरिका बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ सेरेना फ्रेड के कॉफिन के पास आकर बहुत ही ज़्यादा रोती है। फ्रेड के डेड बॉडी को फिर पब्लिक रिस्पेक्ट के लिए लाया जाता है, जहाँ पर गैलेट के सभी लोग मौजूद थे। और यहाँ पर जून और जॉन एक बैले डांस प्रोग्राम देखने के लिए गए थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद में जून अपनी लाइफ की नई शुरुआत करके जॉन को किस करती है और दोनों एक साथ बहुत खुश थे। तभी वे दोनों पब्लिक टीवी के न्यूज़ में फ्रेड के फ्यूनरल का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की सेरेना को फ्लावर देती है। सेरेना उस लड़की का हाथ पकड़ती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जून की बेटी एलिजाबेथ थी। सेरेना कैमरा में देख कर स्माइल करती है और सेरेना को पता था कि जून कहीं ना कहीं से उसको देख रही होगी। सेरेना जून को जताना चाहती थी कि अब जून की सबसे प्यारी चीज़ उसकी बेटी एलिजाबेथ सेरेना के पास है। एलिजाबेथ को सेरेना के पास देखकर जून बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और यहीं पर ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। दोस्तों, इन एपिसोड में हमने देखा कि जून ने जानबूझकर सेरेना को फ्रेड की उंगली भेजी ताकि सेरेना ये जान पाए कि जून ने फ्रेड को मारा है, और जून सेरेना के अंदर अपना डर बैठाना चाहती थी। कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर के बीच में जून ने फ्रेड को मारा था, जिस वजह से दोनों ही देश जून को इस मर्डर के लिए सजा नहीं दे सकते थे। एस्टर यहाँ पर हेलमेट बनना नहीं चाहती थी, तो शायद इसीलिए उसने पॉइजन ले लिया था। एस्टर को पहले से ही पॉइजन के बारे में बहुत कुछ पता था, और हैना यहाँ पर एस्टर की मदद करने की वजह से उसको हेलमेट की टिप दे रही थी, और इस वजह से एस्टर ने उसको भी पॉइजन दे दिया। सेरेना का अब आगे का प्लान यही है कि अब वो भी जून की बेटी को अपने पास कब्जे में रखेगी और वो भी जून के अंदर अपना डर बिठाएगी। तो दोस्तों, अब आगे हेलमेट में क्या होने वाला है इसे जानने के लिए आगे की सीरीज में बने रहिएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे कमेंट में अपना नाम और ये लिखकर भेजें कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मैं आप पे कमेंट की रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर सीरीज। तो आज हम हैंडमेड टेल सीजन 5 के एपिसोड 3 और एपिसोड 4 को देखेंगे। तो अगर आपने हैंडमेड टेल सीजन के बाकी के एपिसोड को नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर बाकी के एपिसोड को देख सकते हैं। तो जून की बेटी एलिजाबेथ के साथ सेरेना का अगला कदम क्या होगा? क्या जून एलिजाबेथ को गैलेट से बचा पाएगी? हैना और एस्टर क्या पॉइजन से जिंदा बच पाएगी? और एस्टर की इस गलती की वजह से अथॉरिटीज़ एस्टर के साथ में क्या करेगी? क्या सेरेना कनाडा वापस आ पाएगी? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के जरिए पता चलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जून से, जो कि एलिजाबेथ को सेरेना के पास में देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। और गैलेट में सभी कलर का एक मतलब होता था, और एलिजाबेथ ने पर्पल कलर पहना हुआ था, जिसका मतलब उन लोगों को नहीं पता था। तब मोरिया बॉर्डर के पास रहने वाले कुछ रेफ्यूजी के बारे में बताती है, जो कि गैलेट या कनाडा दोनों तरफ की खबर पहुंचा सकते थे। मोरिया ने कभी भी जून को इस बारे में नहीं बताया था, और वे सभी रेफ्यूजी अपने बल्ले और गुस्से में मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगे थे। मोरिया नहीं चाहती थी कि जून उनके पास भी आए, लेकिन अब सिर्फ एलिजाबेथ के लिए मोरिया उन रेफ्यूजी से कॉन्टेक्ट करने वाली थी। जून और मोरिया फिर लिली नाम की एक रेफ्यूजी से मिलने के लिए जाती है, और लिली उन्हीं औरतों में से थी जिनको फ्रेड के बदले पॉइजन कॉलोनी से बचा कर लाया गया था, और ये सब सिर्फ जून की वजह से हो पाया था। जून के लिए लिली जून का मैसेज निक तक पहुँचाने वाली थी। लिली फिर जून और मोरिया को जंगल के बीच बने एक कैबिन तक लेकर जाती है, जहाँ पर वो सारे रेफ्यूजीज रहा करते थे। और लिली गैलेट तक फ़ोन करने की बात करती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस थी। वहीं पर लिली कुछ औरतों की फ़ोटो दिखाती है जिन्होंने गैलेट से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मार दिया गया था। अब लिली से जून को ये पता चलता है कि मेडे कोई आदमी नहीं बल्कि पूरा के पूरा एक ग्रुप है, जो कि गैलेट की अथॉरिटीज से फाइट करती है और उनके जैसे लोगों की मदद करती है। और दुनिया में कई सारे मेडे ग्रुप्स थे, अगर उन लोगों ने भी कोई हिम्मत का काम किया था तो वे भी खुद को मेडे मान सकते थे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेडे का मतलब नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। मेडे का मतलब होता है कि इमरजेंसी में कोई वॉइस मैसेज के जरिए मदद की मांग करे तो उस सिग्नल को मेडे कहा जाता है। अब उसी शाम मिस्टर लॉरेंस के घर पर सेरेना, मार्क, रिबेका,
मिस्टर मैकेंजी और मिस मैकेंजी आ जाते हैं और वे वहाँ पर डिनर करते हैं। वहाँ पर मिस्टर मैकेंजी भी ये सोचते हैं कि जून अकेले फ्रेड को नहीं मारा होगा, उसके ज़रूर किसी ने मदद की होगी। तब मिस्टर लॉरेंस बात को घुमाने के लिए ये कहते हैं कि जून की मदद अमेरिकन से निकी होगी। सेरेना को वहीं पर पता चलता है कि निक ने रिबेका से शादी कर ली है। रिबेका सेरेना के होने वाले बेबी के लिए एक स्वेटर भी लाती है जो कि सेरेना को बहुत ही अच्छी लगती है। दूसरी तरफ हेना और एस्टर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वो दोनों को अभी तक होश नहीं आया था। एरिका एस्टर के इस काम से बहुत ही गुस्सा थी और वो हेना के लिए बहुत ही टेंशन में थी। एरिका कोर्ट से रिक्वेस्ट भी करती है कि उसकी गलती की सज़ा हेना को न दी जाए। और यहाँ पर हम एरिका और हेना के बीच में एक अनजान प्यार के रिश्ते को देख पाते हैं। इस तरफ मिस्टर लॉरेंस के घर पर मिस्टर मैकेंजी की बातों से हमें पता चलता है कि एक अकेले आदमी का कभी भी अथॉरिटीज़ में कोई भी डिसीजन नहीं चलता है और अकेली औरत के लिए भी गलियट में खतरा हो सकता है। मतलब कि अब सिंगल बने रहना मिस्टर लॉरेंस और सेरेना दोनों के लिए बुरा हो सकता था। और साथ ही मिस्टर मैकेंजी और मिस मैकेंजी दोनों ही नहीं चाहते थे कि एलिजाबेथ कभी भी अपनी माँ जून के बारे में जाने। उनको अगर मौका मिले तो वे दोनों जून को मौत की सज़ा देना चाहते थे। उनकी बात सुनकर निक और मिस्टर लॉरेंस इस बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं। दूसरी तरफ रेफ्यूजी कैबिन में हैरी नाम का एक लड़का वापस गलेट की तरफ जाता है। उसकी एक वाइफ और एक बच्चा था जिसे वो अकेले वहाँ नहीं छोड़ सकता था। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि गलेट के अंदर जाना जितना आसान है, वहाँ से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल। गलेट में मार्क ने निक को जो ऑफर दिया था उसके बारे में पूछता है, लेकिन निक ने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। वो तभी मिस्टर मैकेंजी को देखकर दोनों अपनी बातें बंद कर देते हैं। मिस्टर मैकेंजी इनडायरेक्टली निक को ये बातें बता रहे थे कि कहीं फ्रेड की मौत की वजह से निक की रैंक बढ़ी तो नहीं है और अपनी रैंक को बढ़वाने के चक्कर में फ्रेड के मर्डर में कहीं निक का हाथ तो नहीं, लेकिन निक इस बात को टाल देता है। फिर इस तरफ घर के अंदर सेरेना और मिस्टर लॉरेंस फ्रेड के बारे में बातें कर रहे थे। सेरेना यहाँ पर एक अजीब बात कहती है जो कि ये थी कि फ्रेड जो डिजर्व करता था वो उसको मिल चुका है और शायद उसकी मौत इसलिए हुई थी क्योंकि गॉड भी नहीं चाहते थे कि फ्रेड जैसे इंसान के पास में उसका बच्चा बड़ा हो। मिस्टर लॉरेंस भी अपनी लाइफ में अकेले पड़ गए थे और अब सिंगल होने की वजह से उनका रैंक भी खतरे में था, लेकिन मिस्टर लॉरेंस सिर्फ एक रैंक या पावर की वजह से किसी से भी शादी करना नहीं चाहते थे। पर यहाँ पर सेरेना मिस्टर लॉरेंस को इनडायरेक्टली यही इशारा कर रही थी कि उन दोनों को अपनी भलाई के लिए एक दूसरे से ही शादी कर लेना चाहिए। फिर अगले दिन सारा हॉस्पिटल में हेना के पास में उसकी बेटी एंजेला को लेकर आती है और एक बार जब एंजेला मरने वाली थी तब उसकी असली माँ यानी कि हेना उसके पास में होने की वजह से एंजेला बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, तो क्या पता अपनी बेटी को पास में पाकर हेना भी ठीक हो जाए। सारा यहाँ पर हमेशा ही हेना के लिए थैंकफुल रही थी और हेना की वजह से ही सारा को एक बेबी एंजेला मिली थी। अब इधर गलेट में मार्क फ्रेड के फ्यूनरल खत्म होने के बाद सेरेना को वापस कनाडा ले जाना चाहता था और सेरेना अब एक सिंगल वुमन थी और गलियट वुमन्स के लिए स्पेशली सिंगल वुमन्स के लिए सेफ नहीं था। पर सेरेना का कहना यही था कि उसको ज़्यादा देर तक सिंगल नहीं रहना पड़ेगा और सेरेना अब अपने देश गलियट में ही रहना चाहती थी। अब तक मार्क ने जिस तरीके से सेरेना का ख्याल रखा था उसके लिए सेरेना मार्क को किस करती है और इसके बाद में मार्क वहाँ से चला जाता है। फ़ोन पर किसी तरह जून की बात निक से होती है और जून निक से एलिजाबेथ के बारे में पूछती है। निक उसे बताता है कि एलिजाबेथ अब सेरेना के साथ में नहीं, अपने पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस मैकेंजी के साथ में है। जून वहाँ पर एलिजाबेथ के पहने हुए पर्पल कलर की यूनिफॉर्म का मतलब पूछ लेती है। निक के मुताबिक पर्पल कलर का मतलब ये होता है कि पर्पल पहनने वाली लड़कियाँ शादी करने और किसी की वाइफ बनने के लिए रेडी हो चुकी है और कुछ ही दिनों में उनकी शादी करा दी जाएगी और अब उन लोगों को वाइफ की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस बात को सुनकर जून बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी और एलिजाबेथ की अभी शादी की उम्र हुई ही नहीं थी। जो निक से रिक्वेस्ट करती है कि एलिजाबेथ को वो अपने डिस्ट्रिक्ट में लेकर आए और वो एलिजाबेथ का ख्याल रखे, लेकिन निक के लिए ये करना पॉसिबल नहीं था। और अब निक की एक वाइफ भी थी और इन सब की वजह से उसकी वाइफ को खतरा भी हो सकता था। जून को इस बात को सुनकर बहुत खुशी मिलती है कि फाइनली निक की लाइफ में कोई लड़की आ चुकी है। निक जून को मिस्टर और मिस मैकेंजी से सेफ रहने को कहता है क्योंकि वे लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और ये जून के लिए खतरा हो सकते थे। दोनों ही एक दूसरे के पास्ट को याद करते हैं जहाँ पर वे लोग एक दूसरे के साथ में थे। अब अगले दिन हेना कुछ हद तक ठीक हो चुकी थी और वो होश में भी आ चुकी थी, जिसे देखकर एलिजाबेथ भी खुश थी।
इस तरफ सेरेना को अथॉरिटीज ने एक मीटिंग के लिए बुलाया था। सेरेना को लग रहा था कि मिस्टर लॉरेंस उसे शादी करेंगे और इसी बात के लिए अथॉरिटीज ने उसको बुलाया था। लेकिन मिस्टर लॉरेंस से सेरेना को पता चलता है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहते हैं और इस वजह से सेरेना को अब टेंशन होने लगी थी कि उसको किस वजह से यहाँ पर बुलाया होगा। सेरेना फिर अथॉरिटीज से बात करने अंदर जाती है और अथॉरिटीज़ की बातों से हमें पता चलता है कि कनाडा में सेरेना के बहुत फॉलोअर बन चुके हैं और इसीलिए गैलियट की तरफ से सेरेना को गैलियट का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था ताकि सेरेना दुनिया भर में गैलियट के बारे में बताकर उनका अच्छा इंप्रेशन छोड़े। सेरेना गैलियट में ही रहना चाहती थी और उसका पता था कि बाहर जून से उसको खतरा होगा। गैलियट की अथॉरिटीज़ सेना को यकीन दिलाती है कि वे लोग सेना को कुछ भी नहीं होने देंगे। आज अपने देश में सेरेना के लिए कोई जगह नहीं थी और सेरेना को वापस कनाडा आना पड़ता है। दूसरी तरफ जून इस बात से डरी हुई थी कि उसके साथ जो हुआ वो सब एलिजाबेथ के साथ में ना हो। और तभी जून को खबर मिलती है कि सेरेना वापस कनाडा आ चुकी है। अब कार में फिर सेरेना डिटेंशन सेंटर जा रही थी और रास्ते में बहुत सारे लोग सेरेना का सपोर्ट कर रहे थे और ये देखकर सेरेना काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब कुछ दूर जाने के बाद उनको कार रोकनी पड़ती है क्योंकि रास्ते में ही किसी ने अपनी कार रोकी हुई थी और अचानक जून सेरेना के सामने आकर उसको अपनी बेटी एलिजाबेथ से दूर रहने की धमकी देती है। फिर किसी तरीके से सेरेना वहाँ से निकल जाती है, पर इस वजह से सेरेना बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। और यहीं पर episode 3 ख़त्म होता है और यहाँ से शुरू होता है episode 4, जहाँ पर जून निकोल को लेकर पार्क में गई हुई थी और वहाँ पर एक औरत निकोल को देखकर उसके पास आना चाहती थी। जून उसको निकोल से दूर करती है और तब वो औरत जून को बहुत ही गंदा शब्द कहती है। जून गुस्से में उस औरत को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। उस औरत ने जून को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा था जिससे कि जून बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। जॉन फिर जून को एक थेरेपी सेशन के लिए लेकर जाता है क्योंकि उस औरत की बातों ने जून को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। फिर डॉक्टर जून को कहते हैं कि उसने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया है और उस औरत को उसने कोई भी हार्म नहीं किया था। अब इस तरफ सेरेना को कनाडा की अथॉरिटीज़ फ्री कर देती हैं। लेकिन अब न सेरेना अमेरिका की सिटीज़न थी और ना ही गैलियट की थी, वो बस कनाडा में एक रेफ्यूजी थी जो कि गैलियट की ब्रांड एम्बेसडर बनकर कनाडा में रहेगी। गैलियट की अथॉरिटीज़ ने सेरेना को एक ड्राइवर दिया था जिसका नाम अज़रा था जो सेरेना के साथ में रहेगा। सेरेना के पास घर भी नहीं था तो वो गैलियट की प्रॉपर्टी जो कि कनाडा में थी उसमें रहने वाली थी और वहीं पर वो काम भी करने वाली थी। लेकिन सेरेना का यहाँ पर कोई भी अपना नहीं था। अब रात को मार्क जून से मिलने के लिए आता है और जून मार्क से एलिजाबेथ के बारे में पूछती है। मार्क जून को बताता है कि एलिजाबेथ बिल्कुल ठीक है और एलिजाबेथ को मार्क अपने साथ में लेकर नहीं आया था, इसलिए जून जॉन और मोरिया मार्क से नाराज़ थे। सेरेना जो कि अब फ्री हो चुकी थी, मार्क उस बारे में जून को बताता है और मार्क अब सेरेना को जेल भेजने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। अब सेरेना के पास में कोई अपना नहीं है और उसके पास अपना कोई पैसा और प्रॉपर्टी भी नहीं थी, यहाँ तक कि सेरेना खुद से कार तक नहीं चला सकती थी। मार्क सेरेना के लिए अफसोस कर रहा था और ये देखकर जून मार्क से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। जून के कहने पर मार्क वहाँ से चला जाता है। जून फिर अपने गार्डन में जाती है और वहाँ से वही घर निकालती है जो कि उसने दफनाई थी और कार में बैठकर उसी घर में जाती है जहाँ पर सेरेना रह रही थी। कार के अंदर जून गन को लोड करने की कोशिश कर रही थी पर वो लोड नहीं हो रही थी। जून देखती है कि उस घर के बाहर बहुत सारे लोग कैंडल लेकर सेरेना का सपोर्ट कर रहे थे और जून अपनी कार सेरेना के घर के सामने रुकती है। घर के अंदर से सेरेना जून की कार को देख रही थी और सेरेना जानती थी कि उस कार में जून होगी। जून कार से बाहर आती है पर वो सेरेना को कुछ नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। जून को इस तरह घर के बाहर देखकर सेरेना उससे बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। लेकिन जून को घर के आसपास आने से कोई भी रोक नहीं सकता था। लेकिन फिर भी एज़रा सेरेना से प्रॉमिस करता है कि वो सेरेना को हमेशा सेफ रखेगा। जून फिर अपने घर वापस आती है और जॉन जून को कोई भी गलत कदम उठाने से मना करता है और जून अगर सेरेना को मार देगी तो जून जेल चली जाएगी और एलिजाबेथ को वे लोग कभी भी नहीं ला पाएंगे। जॉन जून को थोड़ा टाइम शांत रहने को कहता है ताकि जॉन एलिजाबेथ को वापस लाने के लिए कुछ कर पाए। दूसरी तरफ एरिका हैना का ध्यान रख रही थी और हैना अब ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। यहाँ पर एस्टर अब तक होश में नहीं आ पाई थी। एस्टर ने जिस तरह हैना को हार्म किया था उससे अब एरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एरिका जिंदा रहे या मर जाए। लेकिन हैना को एस्टर से कोई भी शिकायत नहीं थी क्योंकि एस्टर ने बचपन में बहुत तकलीफ उठाई थी और उसके साथ में कई बार रेप हो चुका था।
एस्टर को ऑप्शन में तो यही दिया गया था कि या तो वो हैंडमेड बने या फिर वो पॉइजन कॉलोनी में सड़ सड़ कर मर जाए, नहीं तो कोई गलती करने पर एरिका उसकी भी एक आंख निकाल देगी और ये और भी ज़्यादा भयानक सजा थी। एरिका जिस तरह लड़कियों को एक अच्छी लाइफ के लिए हैंडमेड बनाती है, लेकिन असल में वो लड़कियों को एक नरक में भेज देती है। हेना की बातें सुनकर एरिका को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। फिर इस तरफ सेरेना को यह पता चलता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा इन्विटेशन आए थे, लेकिन उसे पूछे बिना गैलेट के अथॉरिटीज़ ने उन इन्विटेशन को मना कर दिया था। सेरेना थी तो कनाडा में, पर अभी भी गैलेट उसको कंट्रोल कर रही थी और सेरेना इस बारे में मिस्टर लॉरेंस से बात करती है। सेरेना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक इंडिपेंडेंट वूमन थी और इसीलिए सोच समझ कर ही सिर्फ किसी किसी जगह गैलेट की अथॉरिटीज़ उसे भेजने वाली थी। सेरेना मिस्टर लॉरेंस को जून के बारे में भी बताती है कि किस तरह जून उसके रहने वाले घर की तरफ आ गई थी, लेकिन मिस्टर लॉरेंस सेरेना से जून को इग्नोर करके अपने काम पर ध्यान देने को कहते हैं। जून को एक इनविटेशन मिलता है जो कि ओफ्रड नाम से उसके पास में आया था, और जब जून एक हेडमेट थी तब उसको यही नाम दिया गया था। सेरेना ने वो इनविटेशन जून के लिए भेजा था और एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला था जहाँ पर सेरेना गैलेट की ब्रांड एम्बेसडर बनकर पूरी दुनिया से बात करेगी। जून ने चाहती थी कि सेरेना को मार दिया जाए, नहीं तो सेरेना अपनी बातों से कनाडा को भी जल्दी गलत बना देगी और कनाडा में भी वही सब ब्रूटल काम होने लगेंगे। मोरिया जून को समझाती है कि अब जून को अपने लाइफ के बारे में सोचकर अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, और वे लोग खुद कनाडा में रेफ्यूजी हैं, अगर वे लोग रूल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे तो उनको यहाँ से निकाल कर जेल भेज दिया जाएगा या फिर इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर अगले दिन जॉन सेरेना से मिलने जाता है और सेरेना के कहने पर एज़रा जॉन को फिर से चेक करता है ताकि जॉन सेरेना को मारने के लिए कोई हथियार न लाया हो। जॉन ने गैलेट की उस प्रॉपर्टी के खिलाफ कुछ पेपर्स निकाल लिए थे जिसमें ऐसा बताया गया था कि वो प्रॉपर्टी इलीगल है, और कुछ अथॉरिटी से साइन मिलने के बाद इस प्रॉपर्टी को बंद कर दिया जाएगा, तब सेरेना को यहाँ से जाना पड़ेगा। साथ ही में जॉन सेरेना से ये भी कहता है कि जून उसे मार डालेगी और खुद चाहता है कि सेरेना मर जाए, लेकिन जॉन एलिजाबेथ को भी वापस पाना चाहता था। सेरेना को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जॉन के किसी भी बात की केयर नहीं करती थी, और सेरेना जॉन को कहती है कि एलिजाबेथ अपने न्यू पेरेंट्स के साथ में बहुत खुश है। सेरेना जॉन को ताना मारकर ये कहती है कि जून ने तो अपनी बेटी एलिजाबेथ को वहाँ से निकालने के लिए बहुत कोशिश की थी और उसकी वजह से उसको भी काफ़ी कुछ सहना पड़ा, लेकिन जॉन जब गैलेट से निकल गया तो कभी भी उनको बचाने के लिए वापस नहीं आया, क्योंकि वो एक डरपोक था जो कि सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोचता था। सेरेना की ये बातें जॉन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है और वो ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एरिका हैंडमेड सिस्टम बदलने के बारे में मिस्टर लॉरेंस से बात करने आती है। एरिका चाहती थी कि हैंडमेड को हॉस्टल में रखा जाए, और सेक्स सेरेमनी के टाइम पर मास्टर और उनकी वाइफ हैंडमेड के पास में खुद आकर इंटीमेट हो, और बेबी होने के बाद में फैमिली को वो बेबी दे दिया जाए, और इस तरह कोई भी हार्मफुल इंसिडेंट नहीं होंगे। लेकिन इस टाइम मिस्टर लॉरेंस हेलमेट का कोई भी सिस्टम बदलना नहीं चाहते थे और डिसअपॉइंट होकर एरिका वहाँ से चली जाती है। अब इस तरफ इवेंट के लिए सेरेना एक फोटोशूट करवा रही थी और बाहर सेरेना के सपोर्टर और गैलेट से भागे हुए रेफ्यूजी के बीच में झगड़ा हो रहा था। एक आदमी मोरिया को मारता भी है और तब जून गन लेकर उस आदमी को डराती है और एक ओपन फायर भी करती है। पुलिस तब उसी तरफ आने लगती है और जॉन जून को लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिर गोली की आवाज़ सुनकर एज़रा सेरेना को कार की तरफ ले जाता है, लेकिन बाहर आते टाइम जून और सेरेना आमने सामने होते हैं। जून अगर चाहती तो सेरेना को भी गोली से मार सकती थी, लेकिन जून सेरेना को कुछ भी नहीं करती है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर हेना को एरिका हैंडमेड के एक हॉस्टल में ले जा रही थी और रास्ते में एरिका हेना की मदद मांगती है ताकि एरिका हैंडमेड की प्रॉब्लम्स समझ पाए और उनकी मदद कर सके। इस बार एरिका किसी को भी सजा नहीं देने वाली थी और एरिका का ऐसा चेंज देखकर हेना काफ़ी ज़्यादा खुश थी। हेना अब सभी हैंडमेड्स के बीच में एक हीरो की तरह बन चुकी थी। और दूसरी तरफ जून और जॉन को यह खबर मिलती है कि गैलेट की प्रॉपर्टी कनाडा के गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, तो अब सेरेना होमलेस हो गई थी और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वे दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन इस बार जून जॉन के साथ में नॉर्मल ही इंटीमेट हो रही थी और पहले की तरह वो जॉन को फोर्स नहीं कर रही थी। फिर इस तरफ एज़रा सेरेना को सिटी से दूर जंगल के बीच में एक घर में लेकर जाता है जहाँ पर लियोनिस और उसका हस्बैंड रेनिस रहता था। लियोनिस सेरेना को प्रेग्नेंट देखकर कुछ अजीब तरीके से खुश हो रही थी, जो कि सेरेना को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। और इधर जून सेरेना का इन्विटेशन जला देती है
और यहीं पर ये दोनों एपिसोड खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों एपिसोड में हमने देखा कि एलिजाबेथ का भी वाइफ बनने का टाइम आ गया था, जिस वजह से जून और जून काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। एलिजाबेथ की अभी ज़रा भी उम्र नहीं हुई थी कि वो शादी करे, लेकिन गलेट के लॉ के हिसाब से एलिजाबेथ की उम्र बिल्कुल सही थी। सेरेना ने चाहा तो था कि वो अब अपने देश गलेट में ही रहे, लेकिन गलेट में उसके लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। सेरेना को गलेट से निकालकर कनाडा में ही गलेट का स्पोक पर्सन बना दिया गया था और कनाडा ने सेरेना को बिना कोई सज़ा दिए फ्री कर दिया था। तो इस बात से जून बिल्कुल खुश नहीं थी और इसीलिए वो सेरेना को मारना चाहती थी, लेकिन हर बार जून कमज़ोर पड़ जाती थी। और देखा जाए तो अब सेरेना बिल्कुल अकेले थी। कनाडा में उसके बहुत सारे सपोर्टर बन चुके थे, लेकिन सेरेना के हक में न घर था ना ही कोई प्रॉपर्टी थी। लेकिन कनाडा में होने के बावजूद भी गलेट सेरेना पर कंट्रोल कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पर हैंडमेटल सीजन 5 का एपिसोड 3 और एपिसोड 4 ख़त्म होता है। तो अब हमें आगे देखना होगा कि हैंडमेड टेल्स के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। तो इसीलिए आप हमारे चैनल हॉरर सीरीज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।